सिनेमा शो में आज बात करेंगे शाहरुख खान की फिल्म जवान की, जिसके पोस्टपोन होने की बात कही जा रही। बताएंगे अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के ऑडियो राइट्स कितने में बिके और क्या रजनीकांत लोकेश कनर राइट्स के साथ काम करने वाले हैं। सब पर बात होगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खेला। डेनी विल्नोव की 2021 में आई ड्यून ने 6 ऑस्कर अवार्ड्स जीते थे। अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट आने वाला है, जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया, जिसमें सभी मेजर कैरेक्टर्स अपने लुक में नजर आ रहे हैं। टिमोथी शैलमे स्टारर ये साइंस फिक्शन मूवी 3 नवंबर को रिलीज होगी। विशाल भारद्वाज की डेब्यू वेब सीरीज की शूटिंग खत्म हो चुकी है। विशाल ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके शूटिंग रैप होने की अनाउंसमेंट की। इस सीरीज का नाम होगा चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली। ये अगाथा क्रिस्टी के नॉवल पर बेस्ड स्टोरी होगी। फिलहाल ये सीरीज पोस्ट प्रोडक्शन मोड में चल रही है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का खूब बज है। खबर है कि सुकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के ऑडियो राइट्स 65 करोड़ रुपए के बिके हैं। इसे अभी तक की सबसे बड़ी डील बताया जा रहा है। इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म के ऑडियो राइट्स इतने महंगे नहीं बिके हैं। Galt.com की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पहले RRR, साहो और बाहुबली 2 के भी ऑडियो राइट्स 10 से लेकर 25 करोड़ रुपए तक के ही बिके हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान 2 जून को रिलीज के लिए शेड्यूल है, लेकिन अभी तक मेकर्स ने फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं शुरू किया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट या इटली की तरफ से फिल्म पर कोई अपडेट भी नहीं दी गई। अब खबर आ रही है कि जवान की रिलीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म अब 2 जून की जगह 29 जून को रिलीज होगी। इससे फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करने का और समय मिल जाएगा। वहीं बीते दिनों सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा और आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 को पोस्टपोन कर दिया गया। खबर है कि इन दोनों फिल्मों को इसलिए आगे बढ़ाया गया ताकि उनका टकराव जवान से ना हो। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फिल्म 2 जून को ही रिलीज होगी। फिल्म को प्रमोट ना करना भी एक अलग तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। न्यूयॉर्क में हुए मेट गाला इवेंट में इस बार आलिया ने अपना डेब्यू किया था, मगर रेड कार्पेट पर जब आलिया चली तो कुछ फोटोग्राफर्स ने उन्हें ऐश्वर्या राय समझ लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आलिया कैमरे के सामने पोज दे रही है और उन्हें पीछे से लोग ऐश ऐश बुला रहे हैं। हालांकि आलिया इस पर कुछ कहती नहीं बल्कि मुस्कुराकर आगे चली जाती है। मणिरत्नम की फिल्म PS2 बढ़िया कमाई कर रही है। 5 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में 250 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। फिल्म ने 2 मई को 10 करोड़ रुपए की कमाई की। इंडिया में इसने कुल 114 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन के डायरेक्शन में बनने वाली लूसिफर 2 पर काम शुरू हो चुका है। ये साल 2019 में आई फिल्म लूसिफर का ही अगला पार्ट है। प्रोड्यूसर एंटोनी ने एक पोस्ट किया जिसमें पृथ्वीराज शूटिंग को लेकर अपनी टीम से बात करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो लंदन में हैं जहां इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। साउथ स्टार सूर्या की अगली फिल्म कंगुआ होगी। खबर है कि मूवी नई रिलीज से पहले ही 80 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। दरअसल कंगुआ फिल्म के राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हैं। इसे 80 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर ज्ञानवील राजा ने इस बात को कंफर्म किया है। मूवी अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शाहरुख एक शख्स का हाथ झटकते हुए दिख रहे हैं क्योंकि वो उनके साथ एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। शाहरुख का ये वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। शाहरुख के इस बर्ताव से लोग खफा हैं। जनता कह रही है कि फैंस से ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। गुलशन देवैया और सयामी खेर की फिल्म 8 AM मेट्रो का ट्रेलर आ गया है। फिल्म 2 लोगों की कहानी है जो एक ही मेट्रो में एक ही समय पर सफर करते हैं। फिल्म में इस्तेमाल हुई कविताएं गुलजार ने और लिरिक्स कौसर मुनीर ने लिखे हैं। फिल्म 19 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। कैथी और विक्रम जैसी फिल्में बनाने वाले लोकेश कनगराज जल्द ही रजनीकांत के साथ काम कर सकते हैं। ट्रैक टॉलीवुड की रिपोर्ट के मुताबिक सन पिक्चर्स के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म पर काम शुरू हो चुका है। फिल्म के प्लॉट या कास्ट को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है। मशहूर एक्टर और डायरेक्टर मनोबाला का निधन हो गया। वो 69 साल के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 24 फिल्में डायरेक्ट की और दर्जनों फिल्मों में एक्टिंग की थी। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। मुलाकात होगी कल, तब तक जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए लर्न टॉप सिनेमा। शुक्रिया।